निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। एक्चुअली लोकतंत्र का चौथा कदम जो है चौथा स्तंभ पत्रकारिता है और पत्रकारों को एक सामान्य नागरिक के नाते लोकतांत्रिक अधिकार दिया गया है कि आप जनता के सामने सच्चाई लेके आए। लेकिन पिछले दिनों अजमेर के अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी ने अपनी हरकतों से ये साबित करने का प्रयास किया है कि आज भी लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने एक पत्रकार जो उनके कार्यालय को कवरेज कर रहे थे उन पर अभद्र टिप्पणी की, उनके धक्के दिया, मारपीट करी, इसलिए हमने उनके खिलाफ़ आज मुख्यमंत्री के नाम यहाँ ज्ञापन सौंपा है। और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले टाइम में पत्रकारों को इसके लिए कदम उठाने के लिए हम आंदोलन तैयार करेंगे। वृद्धिचंद मालाकार, सचिव मार्बल सिटी प्रेस क्लब। जो अजमेर में रिपोर्टिंग के लिए गए थे और नगर निगम के एक प्रशासनिक अधिकारी हैं अशोक कुमार मीणा, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है जो असहनीय है। पत्रकार संघ उसकी निंदा करता है। IFWJ के नेतृत्व में हमने आज ज्ञापन दिया है SDM साहब को और हमारी मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल जी के नाम दिए गए ज्ञापन में मांग है कि जो भी अधिकारी जिस प्रकार उन्होंने दुर्व्यवहार किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और हमारी मांग है कि उन्हें अनुशासन की भाषा समझाई जाए ताकि पत्रकार साथी आंदोलन की ओर अग्रसर न हो। अजमेर में एक हमारे साथी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर के साथ नगर निगम के एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया समाचार संकलन के दौरान, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। आज हमने केकड़े में IFWJ जो हमारा संगठन है उसके बैनर पर मुख्यमंत्री के नाम केकड़े SDM को ज्ञापन दिया और हम सभी साथी रिपोर्टर ऐसे सक्षम अधिकारी के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करने की मांग करते हैं। उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं। अब बिल्कुल पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार जो है अपने काम करते हैं और कई अफसरों के पास जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है क्योंकि उनकी जो खामी है उनको एक पत्रकार ही उजागर करता है। लेकिन गत दिनों अजमेर में जो पत्रकार साथी के साथ में जो मारपीट की घटना हुई है वो बिल्कुल अशोभनीय है, क्योंकि पत्रकार ही एक सच्चाई को उजागर करता है। जब उस बात को सच्चाई सामने लाना चाहिए तो अधिकारी आग बबूला हुआ है और उनके साथ में मारपीट की, वो बिल्कुल अशोभनीय है। उसी मांग को लेकर हमने आज मुख्यमंत्री के नाम SDM साहब को यहाँ ज्ञापन सौंपा है। जल्द से जल्द जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा पत्रकारों को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन भी करना पड़ेगा। आपका नाम? इंद्रजीत वाणा।